नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो गए हुए थे एग्जाम देने आज जिस जिसका एग्जाम था तो भैया कॉन्ग्रेचुलेस आपको ठीक है दोस्तों क्योंकि आज आप फोड़कर आए हो एग्जाम को ठीक है दोस्तों आज आप सीपीसी को फोड़ कर आए हुए हो ठीक है मेरे भाइयों? अरे मुंडी मत छेद करके हो आप लोग चलो भैया मुंडी में छेद करके आए हो आप किसकी सीपी सिटी को छोड़कर आए हुए सीपीसी की मुंडी में छेद करके आए हो आज आप चलो भाई ठीक है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चलो डिस्कस हम करने वाले हैं क्या देखो भाई जय बिल्कुल महाकाल महाकाल चलो चलो भैया आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज सी ने क्या दिया है एग्जाम के अंदर और किस प्रकार से उसने बातें आपको बताई हैं और क्या आपको कर कर जाना है ये आज मैं बताने वाला हूं आपको चलो भैया कुछ लोग फेल भी हुए कुछ लोग पास भी हुए करें करेंगे क्या जब वैकेंसी ही चार साल से सौरभ मिश्रा थैंक यू मेरे ब्रो थैंक यू थैंक यू का अचार डालेंगे अच्छा सीपीसीडी का क्या अचार डालेंगे अरे मेरे भाई पहले उन्हें निकाल तो ले भैया शिवम भाई जैसे सपोज की वैकेंसी आ गई सीपीसीडी की वैकेंसी आ गई तो मेरे भाई क्या ऐसे ही बैठे रहे तुम तो निकाल कर बैठे हो ठीक है तुम तो निकाल बैठे हो और कहीं वैकेंसी आ गई तो कहीं वैकेंसी आ गई तो क्या करेंगे बेचारे ये लोग उन्हें भी तो निकालने दो चलो दोस्तों हम सॉल्व करते हैं और क्या क्या पूछा गया है पूरा एनालिसिस देखते हैं कि एग्जाम का किस प्रकार से क्या क्या चीजें आपकी पूछी गई हैं चलो जी 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 पंकज भाई बिल्कुल चलो जी सर बिल्कुल हम कल कैसे पेपर सर यह है सिरा, सिरा, क्या कर दिया जी बिल्कुल उस पर मैंने वीडियो पर चर्चा कर ली है अभी हम फुल्ली फोकस करने वाले हैं कि आज एग्जाम में क्या क्या आया हुआ है और कल एग्जाम के अंदर क्या आने वाला है और क्या आना चाहिए एग्जाम के अंदर तो देखो जरा आपका एम एस ऑफिस का बेटेज ज्यादा है जैसा कि मुझे पता चला है और यार आप लोगों से थोड़ा सा मेरी नाराजगी है नाराजगी क्या है मेरे दोस्त ये सम, बात समझिएगा क्या नाराजगी है चलो कि मेरे भाई आप लोगों बराबर सेल्फिश कोई नहीं है आप इतना ज्यादा सेल्फिस हो मेरे दोस्तों इतना ज्यादा आप सेल्फिस हो आपसे ज्यादा सेल्फिस मुझे नहीं लगता कोई है मैंने तीन चार दिन से आपसे चिल्ला चिल्ला कर बोला था मेरे भाई अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट वाला एग्जाम पूरा कंप्लीट होता है तो आप जाकर मुझे बता दीजिएगा किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं ठीक है कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं लेकिन आप में से एक भी बंदे ने आप में से एक भी स्टूडेंट ने मुझे सेंड नहीं किया है मेरे भाई मुझे सेंड बिल्कुल भी नहीं किया है कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं ये आपने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्तों आप बिल्कुल ऐसे ही चलते रहो बहुत बहुत सही ट्रैक पर आप चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या आपके बताने से तो भला हो ही सकता था सामने वाले व्यक्ति का लेकिन आपके ना बताने से किसी का बुरा तो नहीं हुआ होगा ये तो गारंटी है ठीक है तो आपको बता देना चाहिए था सौरभ मिश्रा बहुत-बहुत धन्यवाद भाई आपका चलो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बातें मैं समझता हूं आप आपको बातें बताता हूं मैं बात करूं फंडामेंटल की कि फंडामेंटल में से क्या आया हुआ है तो फंडामेंटल में से प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चंस थे पहली बात किससे संबंधित थे प्रिंटर से संबंधित आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किससे संबंधित थे फंडामेंटल के अंदर प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चंस थे ठीक है और तीनों शिफ्ट के अंदर एक ही तरह का क्या था पेपर था एक ही टाइप का आपका पेपर था तीनों शिफ्ट के अंदर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और इंटरनेट के अगर हम नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें तो आपको भी का पूरा नाम पूछा गया था ठीक है देन उसके बाद सॉरी आपका ये भी पूछा गया था कि आपका ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ये फंडामेंटल जो आपका क्या है आपका समझना मेरे भाई ध्यान से कि आपका जो फंडामेंटल के अंदर क्या था आपका बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर के अंदर एक नंबर है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ ये नंबर कन्वर्जन था ना कन्वर्जन कोड के अंदर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था ठीक है? औ, औ, और हम बात करें इंटरनेट के अंदर तो इंटरनेट के अंदर आपका टॉपिक था आपका इंटरनेट से रिलेटेड भी कुछ थी, तो क्वेश्चन था संबंधित आपके क्वेश्चन थे लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं बताया मेरे दोस्त कैसा नहीं बताया है कि वर्चुअल बीपीएन का पूरा नाम होता वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ठीक है

ठीक है तो कहां पर मिलते हैं सॉरी <coughs> चलो यानी जो फाइल के अंदर जो आपकी फाइल्स थी फाइल के अंदर कौन कौन से बटन होते हैं वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था मेरे दोस्त ठीक है तो ये थी कुछ एनालिसिस और सुनो भैया पावर पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन थे पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन से आपके थे यानी ऑल ओवर एनालिसिस करके हम बताए तो मेरे दोस्त आपका पेपर जो मैंने पढ़ाया हुआ था अगर आपने नौ बजे वाली वीडियो देखी हुई है यदि आपने मैराथन क्लास देखी है, तो मेरे दोस्त आपका एग्जाम कहीं से कहीं तक बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में आप अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हो फिर एक बार मैं आपसे बोल रहा हूं यदि आपने नौ बजे वाली क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया है मैं एक बार फिर आपसे बोल रहा हूं यदि आपने 9 बजे वाली क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया है तो और आपने मैराथन को पूरा 12 घंटे अगर आपने देखा है तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम निकलने से रुकाओ ठीक है मेरे भाई दोस्त समझना एक बात को क्या बात है कि देखो आप मैं आगे पढ़ाता जाता हूं पढ़ाता जाता हूं मेरे पढ़ाने से किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप रिवीजन ना करो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ाने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाने वाला हूं आई भगवान से प्रे करता हूं कि उन इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंदर से मैं शायद आपके क्वेश्चन आपको निकल कर आ जाए चलो भैया ध्यान से समझना वो इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से है देखो सबसे पहले तो एम एस वर्ड के अंदर आपको क्या करना समझना एमएस वर्ड के अंदर आपको क्या करना है देखो जरा एमएस वर्ड के अंदर आपको क्या करना है यदि आपको एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन आने, आने वाले हैं जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आने वाले हैं जो आपके क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं

टैब्स को क्या करना है आपको देखना है कि किस टैब के अंदर क्या चीजें आपकी मौजूद होती हैं एक काम वो करना आपको दूसरा काम क्या करना है जरा देखिएगा और एक और काम जो है आपका करने वाला काम वो काम ये है वैसे तो मैंने एमएस वर्ड के बारे में आपको सारी चीजें पढ़ा दी थी कि आपको करने वाला काम ये है सिंपल सा कि दोस्त जरा स्क्रीनशॉट लो इन सारी पीडीएफ के ठीक है इन सारी शॉर्टकट की मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लो ठीक है वैसे तो मैंने ये पढ़ा रखा है स्क्रीन शॉट लो फटाफट ठीक है ये है लो जरा स्क्रीन शॉट जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो क्यों क्योंकि मैं इन्हें डिटेल में नहीं पढ़ा सकता आप लोग इन्हें रिवाइज कर, है? है? कर लीजिएगा जल्दी स्क्रीन शॉट लो ये ले लो स्क्रीन शॉट ठीक है लो जल्दी से स्क्रीन शॉट लो इन चीजों का और इन चीजों का भी ले लो ये है ले लिया चलो आगे बढ़ता हूं मैं और इनका भी स्क्रीन शॉट लो आप जल्दी से लो मेरे दोस्त ठीक है चलो आगे बढ़ जाऊं चलो इनका भी स्क्रीन शॉट लीजिएगा लीजिएगा आपको क्या करना है एक बार रिवाइज करके जाना है अरे मेरे भैया ये इंपॉर्टेंट ही तो बता रहा हूं चलो ये 200 ही तो बता सॉरी ये ही तो बता रहा हूं इंपोर्टेंट ही तो बता रहा हूं और क्या बता रहा हूं मेरे सर हाँ बिल्कुल आपके 90 परसेंट चांसेस है कि आज की तरह ही एग्जाम आपका आएगा ठीक है स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो, ये है चलो मेरे भाई और ये और ले लो आप ठीक है ये है आपको ये शॉर्टकट की क्या करना है रिवाइज करके आपको जाना है चलो भैया इंपॉर्टेंट चीज पर बढ़ो जरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो भैया इंपॉर्टेंट चीज जहां से आज क्वेश्चन आया हुआ था ये यहां से क्वेश्चन आया हुआ था तो आई थिंक अब यहां से क्वेश्चन आएगा भी आएगा पीवो टेबल से भी क्वेश्चन आया हुआ था तो पीवो टेबल से भी क्वेश्चन आपका आना चाहिए तो अगर आप किसी मंथली का भत्ता निकालना चाहते हो ठीक है अगर मंथली वगैरह का एग्जाम निकालना चाहते हो वो मंथली वगैरह का कोई एनालिसिस करना चाहता है आपकी कोई सैलरी है वो कर्मचारी कितनी चीजें खर्च खर, करता है कितनी चीजें कहां पर खर्च करता है वो आप एनालिसिस करना चाहते हो तो आप कहां से करते हो वो पी टेबल से आपका किया जाता है मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं चार्ट दो प्रकार के होते हैं ये चार्ट में मुझे पढ़ाना पड़ेगा क्यों क्योंकि मेरे दोस्त चार्ट से संबंधित क्वेश्चन आए हुए आए हुए हैं और मैं आपको बहुत जल्दी स्पीड में सारी चीजें मैं करा देता हूं ठीक है चलो चार्ट है एम्बेडेड चार्ट और सीट चार्ट ऐसा चार्ट देखो यहाँ चार्ट से एम्बेडेड और सीट चार्ट से तो आंसर आएगा नहीं क्वेश्चन आएंगे नहीं क्वेश्चन कहाँ से आएंगे जरा देखो कि आपके जो तो चार्ट है वो आपको बताया जाएगा कौन कौन से तो कॉलन चार्ट लाइन चार्ट पाई चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट एक्स वाई स्कैटर जिसे बबल चार्ट भी कहा जाता है स्टॉक चार्ट सरफेस चार्ट रडार चार्ट ट्री मैप चार्ट सनबस चार्ट हिस्टोग्राम बॉक्स एंड विस्कर चार्ट वाटरफॉल चार्ट और कॉम्बो चार्ट ये क्या है आपके चार्ट के कुछ प्रकार होते हैं ठीक है दोस्त और ये जो पॉइंट है इन्हें आप जरूर याद रखिएगा कौन सा पॉइंट है कि देखो जरा देखो 2016 से संबंधित क्वेश्चन है एग्जाम जो अपना एग्जाम आज हुआ है उस एग्जाम के अंदर 2016 से संबंधित वर्जन से संबंधित क्वेश्चन थे तो देखो क्या है आपका 2016, 13 और 19 के अंदर चार्ट कितने प्रकार के होते हैं पंद्रह प्रकार के होते हैं यह बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा आगे बढ़ जाऊं चलो भैया बातें आपको क्या क्या याद रखनी है सिंपल सी आपको बातें याद रखनी है कॉलम चार्ट मतलब क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन बर्ड देखे अल्ट प्लस एफ बन दिखे तो आपको टिक कर देना कौन सा कॉलम चार्ट उसका आंसर होने वाला है आपको टिक कर देना है ठीक है दोस्त आगे बढ़ जाऊँ चलो आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका कौन सा चार्ट है अगला है आपका पाई चार्ट अगर आपको डिस्प्ले अलग अलग, अलग प्रकार का विभाजन देखे क्या देखे किसी सीरीज का अलग अलग विभाजन देखे तो आपको क्या टिक कर देना है मेरे दोस्त आपको पाई चार्ट टिक कर देना है आगे बढ़ो जरा क्योंकि चार्ट में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं क्योंकि चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है अब मुझे इतना नहीं पता चला अगर मुझे इतना बिल्कुल भी पता नहीं चला है कि लाइन चार्ट चार्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन था लेकिन चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था

से दस क्वेश्चन सही कराने हैं वो बच्चे का दर्द मुझ पर सहा नहीं गया जिस बच्चे तो मेरे दो मार्क्स और आ जाते और 38 में मैं क्वालिफाई हो जाता तो आप ऐसे बच्चे ना हो कि भैया मेरा एक नंबर से रह गया मैं दो नंबर से रह गया ये चीजें आपकी नहीं हो मेरे भाई इसलिए मैं इन चीजों को कुछ आपके क्वेश्चन में कम से कम पांच से दस क्वेश्चन तो और करवा ही दूंगा आपका ये भाई का आपका बाधा है टेंशन लेना वैसे तो आप पंद्रह से दस से पंद्रह क्वेश्चन समझिएगा दस से पंद्रह समझिएगा इस क्लास से ठीक है आगे बढ़ो क्या है एरिया चार्ट तो एरिया चार्ट क्या है आपका क्या है ट्रेंड दर्शाने के लिए क्या एरिया यानी किसी एरिया के आधार पर जो चार्ट है वो ट्रेंड तो दर्शाएगा लेकिन किसकी कैटेगरी और एरिया के आधार पर सो so, ट्रेंड दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है तो आपके एरिया चार्ट का यूज किया जाता है आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्केटर चार्ट क्या है टाइम एंड कैटेगरी के आधार पर कंपेरिजन देन अगला बढ़ते हैं अगला लिखा हुआ आपका स्टॉक चार्ट स्टॉक चार्ट का मतलब क्या है मार्केट से संबंधित बर्ड सरफेस चार्ट का मतलब क्या है विज्ञापन से संबंधित बर्ड रडार चार्ट का मतलब क्या है आपका च, किसी दो या दो 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 या या से 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 अधिक अधिक बिंदुओं बिंदुओं का क्या करना करना आपका क्या कहलाता है मेरे दोस्त वो आपका रडार चार्ट के अंतर्गत आता है ट्री मैप चार्ट मतलब व्यू प्रदान करना सनबस चार्ट मतलब हाइरोल स्ट्रक्चर के अंदर व्यू प्रदान करना और हिस्टोग्राम चार्ट मतलब चार्ट चार्ट सॉरी बिजनेस वर्ल्ड की बात करना अगर आपसे कोई बिजनेस वर्ल्ड की बात की जा रही है तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त कि वो बात आपका हिस्टोग्राम चार्ट से की गई है ठीक है भैया आगे बढ़ जाऊं आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं चलो भैया सर जिनका सीबीएसईडी निकल गया है वो एग्जाम तैयारी चालू कर ली जिनका नहीं निकला है अक्टूबर के लिए उत्तम सर किसके मार्गदर्शन में तैयारी करें जरूर मिलेगा जी थैंक यू सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास के अंदर सर नमस्कार आपका ठीक है आगे बढ़ीगा और आगे हम बढ़ते हैं और बातें हम जरा करते हैं दोस्तों यार क्या है यार दो लोग देख रहे हैं दो लोग देख रहे हैं और लाइक कितने यार अरे यार प्रेजेंट लगा दो टाइम हो गया प्रेजेंट लगाने का जल्दी प्रेजेंट लगाओ दोस्तों ठीक है जल्दी प्रेजेंट लगाओ टाइम प्रेजेंट लगाने का हो गया है तो फुर्ती से प्रेजेंट लगाओ जल्दी लगा दो जल्दी प्रेजेंट लगाओ भाई फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आज हम धमाकेदार चीजें पढ़ेंगे टेंशन मत लेना आपका एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मैं करा ही दूंगा आपका दो सौ पैंसठ हो तब भी देखो प्रेजेंट अरे यार प्रेजेंट लगा दो मेरे दोस्तों लगा दो मेरे भैया अरे मेरे सीपीसीटी की मुंडी में छेद करने वालो कंजूस हो लगा दो वॉटरफॉल चार्ट क्या है आपका रनिंग बर्ड आपको देखिए ठीक है रनिंग बर्ड अगर आपको दिखे तो क्या रखना है आपको वॉटरफॉल चार्ट याद रखना है कॉम्बो चार्ट कॉम्बो चार्ट कब टिक करना है आपको कि विभिन्न तरीकों से डाटा को कई सेट प्रदर्शित करना अगर आपसे बोला गया कई प्रकार के सेट आपसे प्रदर्शित करने को बोला गया है तो किस चार्ट के अंदर किए जाते हैं तो वो आपके कॉम्बो चार्ट के अंदर इस प्रकार के किए जाते हैं आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट क्रिएट करने के लिए चार्ट से संबंध भैया सुनो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ट क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है तो आपके चार्ट बिजार्ट का यूज किया जाता है ठीक है आगे बढ़ जाओ जरा आगे कुछ बातें और समझते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं ठीक है और कुछ पॉइंट और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कि ये और चार्ट से, से कोई संबंधित नहीं है अलाइनमेंट टाइटल ग्रिड लाइन रिमूव करने के लिए क्या अलाइनमेंट नहीं ये कोई चीजें नहीं है चार्ट से संबंधित चीजें आपकी हो गई हैं। भैया मेरे एक्सएल को छोड़कर मत जाना एक्सएल से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं अरे मेरे दोस्त बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना मेरे भैया अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ठीक है चलो भैया आगे बढ़ो और आगे हम देखते हैं कि जो एग्जाम का जो क्रम होता है यहां से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है कहां से ये जो क्वेश्चन है पैम दास मतलब पेरेंथेसिस एक्सपोनेंट मल्टीपल डिवाइड और ऐड मेरे भाई अगर आप पहले दिन मेरी क्लास के अंदर आए हो तो शायद आपको अजीब लग रहा हो लेकिन ये चीजें सारी मैं पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला से आपको भैया ये फॉर्मूला मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ा चुका हूं फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आया हुआ था मेरे दोस्त यहां से क्वेश्चन बना था काउंट ए से आज क्वेश्चन आया हुआ है कहां से क्वेश्चन आया हुआ है मेरे दोस्त ये काउंट ए से आपका क्वेश्चन आया हुआ है तो मिनिमम से भी आ सकता है मैक्सिमम से भी आ सकता है मिनिमम ए से भी आ सकता है काउंट से भी आ सकता है और काउंट ए से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है ठीक है आगे बढ़ जाऊं चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं नाई सॉरी ये है माइक सॉरी यार मिनिमम एम आई एन तो आपकी कोई कॉल आपका क्या दिया है आपका कोई भी चीज दी है जैसे डेटा दिया है इस बड़े डेटा में से कोई छोटा नंबर निकालने के लिए हम किसका मिनिमम फंक्शन का यूज करते हैं इस बड़े डेटा में से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं और मैक्स का मिनी का ए ए का मतलब होता है टेक्स्ट और टेक्स्ट का मतलब क्या होता है लेवल टेक्स्ट मतलब तो लेवल तो को इग्नोर करने के लिए जो आपका लेवल है उसे लेवल को इग्नोर करने के लिए आपके ए फंक्शन का यूज किया जाता है जैसे कि आई थिंक मैं आपको यहां पर बता दूं जैसे मैंने ये लिया और इसके अंदर मैंने लिया है यहां पर ए लिखा दस लिखा पांच लिखा एक लिखा दो बी 3 थ्री फोर्टीन और सिक्सटीन ये मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने लगाया काउंट फंक्शन तो आंसर आपको पता है क्या मिलने वाला है एक दो तीन चार पांच छ सात यानी आंसर आपको क्या मिलेगा सात और अगर यहां पर आप लगा काउंट ए फंक्शन तो पता है क्या मिलेगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ आंसर मिलेगा आपको नौ अब अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में आया गया मेरे दोस्त क्या समझ में आया कि आपका ए लगाया तो उसने ये लेवल को इग्नोर कर दिया लेवल बोला तो क्या यहां पर ए को इग्नोर कर दिया और बी को इग्नोर कर दिया और जैसे ही आपने काउंट ए लगाया तो क्या हो गया उसने लेवल को भी साथ में ले लिया और उसने वैल्यू को भी साथ में ले लिया सबको एक साथ मिलाकर उसने ये चीजें निकाल कर दे दी तो ये काउंट मतलब कि आपका सिर्फ सिर्फ और वैल्यू के सेल्स को काउंट करेगा ठीक है और अगर आपसे बोला जाए काउंट ए तो आपकी लेबल और वैल्यू दोनों को काउंट करके ये आपका दे देगा आई थिंक समस्या नहीं होनी चाहिए और मैं बताता हूं और कहां से क्वेश्चन आया हुआ था मेरे भाई ये ट्रिम का भी आ सकता है ये का भी आ सकता है मैं नहीं बोल सकता कि आपका ये फंक्शन नहीं आ सकता इज इफ एरर का भी फंक्शन आ सकता है इफ एन का फंक्शन आ सकता नहीं नहीं एक्स और ये फंक्शन आ सकते हैं आ, ये टेक्स्ट बात का नहीं आ सकता चार का फंक्शन हाँ ये फंक्शन आपका आ सकता है क्या लिखा हुआ है ये चार वाला फंक्शन और ये कोड वाला फंक्शन ठीक है सुनो मेरे भाई ध्यान से आपका कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है प्रयोग करते हैं हम किसी वैल्यू को कैरेक्टर प्राप्त करने के लिए कोई एक वैल्यू है उससे आप कोई कैरेक्टर प्राप्त कर हैं, तो सी एच एर फंक्शन का यूज करते हैं और यदि आप कैरेक्टर की मदद से कोई आई एसओ एन आई ए एन एस आई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कोड अगर आप देखो कैरेक्टर से कैरेक्टर से आप कोड प्राप्त करना चाहते हो तो आप कोड फंक्शन का यूज करो अगर आप कोड से कैरेक्टर प्राप्त करना चाहते हो तो आप सी ए एस एच ए आर फंक्शन का यूज करिएगा आगे आगे बढ़ जाऊं हम बढ़ते हैं जरा सर थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाओ नोट कर रहे हैं जी बिल्कुल सचिन भाई बिल्कुल हम स्लो स्लो पढ़ाते हैं चलो हम स्लो स्लो बिल्कुल पढ़ाते हैं आगे बढ़ेगा और आगे हम बढ़ते हैं जरा और फंक्शन पर जानते हैं एग्जैक्ट फाइंड का फंक्शन ये लेफ्ट राइट right का फंक्शन मैंने आपको बताई दिया आप था। आपने मेरी एक बजे वाली क्लास देखी देखूंगी ये फंक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया ठीक है ये लेफ्ट जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो मैंने फंक्शन यहां पर पढ़ाने वाला हूं क्योंकि आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपने तो मुझसे जुड़े ही हो तो आपको कुछ ये जो, जो जो मैंने चीजें पढ़ा दी हैं ठीक है ठीक है? है कोई दिक्कत चलो आगे बढ़ते हैं और लेन मैंने आपको पढ़ाई दिया था लोअर मैंने पढ़ाई दिया था अपर आपको पढ़ा दिया था प्रॉपर सर्च फंक्शन डेट एंड टाइम के अंदर मैंने आपको ये वाला फंक्शन बता दिया था टुडेस ये वाला फंक्शन जो है कौन सा वाला फंक्शन और वाला फंक्शन नहीं इज ओ नंबर नहीं ये फंक्शन नहीं है ना हाँ ये मैंने फंक्शन आपको बता दिया था कौन सा फंक्शन ये नाव वाला फंक्शन बता दिया था और टुडे वाला फंक्शन भी मैंने बता दिया था ठीक है क्या नाव वाला फंक्शन डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करता है वाला फंक्शन सिर्फ सिर्फ क्या रिटर्न करता है आपकी डेट रिटर्न करता है है वैसे ये फंक्शन हुआ अरे मेरे भाई यहाँ से आपका आज के पेपर में क्वेश्चन थे तो कल भी यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं तो देखो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूं देखो जरा ए फंक्शन जो है वो आपकी माइनस वाली चीजों को प्लस में कन्वर्ट कर देता है ये कॉस जो फंक्शन है वो आपको क्या करता है मेरे भाई आर्क कोसाइन वैल्यू रिटर्न करता है मैंने बोला था अगर आपके आगे आपके किसी कोस जो टेग्नोमेट्री है उसके आगे अगर ए है तो आर्क वर्ड याद रखना है उसके आगे प, है, तो आपको हाइपर बॉलिक वर्ड याद रखना है ए कॉस एच क्या करता है आपका इनवर्स हाइपर वॉलिक वैल्यू प्राप्त करता है एक ऑर्ड क्या करता है आपका आर्क आर्क को टेंजेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है क्या करता है आपका इनवर्स हाइपरबोलिक कोटेंजेंट वैल्यू प्रदान करता है ठीक है ये बातें आपको याद रखनी है ये क्या करेगा इनवर्स हाइपरबलिक कोसाइन वैल्यू प्रोवाइड करेगा एक कॉट क्या, क्या करेगा मेरे दोस्त ये आर्क कोटेंजेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा और एक कॉट एच क्या करेगा इनवर्स हाइपरबोलिक कोटेंजेंट वैल्यू प्रदान करेगा ये बात आप याद रखिएगा क्या होता है ये मेरे भाई क्लर क्लर मेरे भाई ये समझने की कोशिश मत करो कि ये क्या होता है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा क्या होता है आपसे क्वेश्चन आएगा कि एक कॉस्ट से क्या निकल कर आता है तो आर्क कोसाइन निकलकर निकल कर आता है या फिर एक कोशाइन को आपका आर्क कोसाइन मिलता कहां से है तो ए कॉस्ट फंक्शन की मदद से आपका मिलता है ठीक है आगे बढ़ जाऊं जो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हमें पीडीएफ चाहिए सर ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए आप मेरे एड़ी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की लिंक मौजूद है आप एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस की लिंक पर क्लिक करिए और वहां पर आप ऐप को डाउनलोड करिए आपने ऐप के लिए एप्लीकेशन एप 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 की लिंक है ऐप के अंदर स्टोर में जाइए स्टोर के अंदर नाइन हंड्रेड का मेरा कोर्स है उसे आपको एनरोल करना पड़ेगा देन उसके बाद आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी सारे मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे समय से कोई आंसर नहीं आएगा टोटल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है कहां से क्वेश्चन बनेगा आपका आ, ए साइन समझ सुनो मेरे भाई अरे मेरे बच्चा ये क्लास आपको पूरी जो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कुछ ना कुछ अंडंगा तो मैं इस क्लास के अंदर आपको देकर ही जाऊंगा आप टेंशन मत लेना बस आप भाई पर विश्वास करना थोड़ा सा बस आगे ठीक है ठीक है आगे बढ़ो ए साइन ए साइन क्या करता है आपका आर्क साइन वैल्यू रिटर्न करता है साइन एच क्या करता है इनवर्स हाइपरबोलिक साइन वैल्यू प्रोवाइड करता है ए टेन क्या करता है आर्क टेंजेंट वैल्यू प्रदान करता है ए टेन एच क्या करता है इनवर्स हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक वैल्यू रिटर्न करता है ठीक है और बेस फंक्शन क्या करता है समझना मेरे भाई बेस फंक्शन से आपको अगर क्वेश्चन बना कभी क्वेश्चन बना आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस बेस फंक्शन से आपसे बोला जाएगा आपसे ये बात बोली जाएगी मेरे दोस्त कि किसी नंबर की रेडिक्स निकालने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है कोई आपको बाइनरी नंबर या फिर कोई आपको डेसिमल नंबर या फिर कोई आपको हेक्साडेसिमल नंबर किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है और आपसे बोला गया है कि इसकी आपको रेडिक्स निकालनी है रेडिक्स का मतलब होता है बेस बेस मतलब नंबर का बेस जैसे बाइनरी का दो होता है ऑक्टल का आठ होता है ऑक्टल का आठ होता है का दस होता है सॉरी का होता है डेसिमल का दस होता है तो ये जो आपके बेस हैं इन्हें निकालने के लिए आपको बेस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है ठीक है दोस्त आगे बढ़ जाऊं चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त एक्सल से फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं आप इन्हें इग्नोर ना करें आपके यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ये एरर के साथ प्रकार है मेरे दोस्त इन एरर के साथ के साथ प्रकार रखकर मेरे भैया इसका इसका स्क्रीन इस अगर अगर मेरी बात मानो तो तो स्क्रीनशॉट इस ले लीजिएगा यहां से कुछ नहीं नहीं तो नहीं क्वेश्चन बन बन सकता 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 है मैं बोल नहीं या नहीं। लेकिन ये भी नहीं बोल सकता नहीं बन सकता और ये भी अगर मैं ये नहीं बोल सकता बन सकता तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि नहीं बनेगा तो आप स्क्रीन इसका ले लीजिएगा और मैं आपको ज्यादा इसके बारे में बता नहीं सकता हूं चलो भैया आगे बढ़ो अब आने वाले हैं अपने इज फंक्शन जितने भी फंक्शन इज फंक्शन से स्टार्ट होते हैं जितनी भी चीजें इज से स्टार्ट होती है फंक्शन उसका आंसर या तो ट्रू में मिलता है उसका आंसर या फिर फॉल्स में प्रोवाइड होता है आपको याद रखना है जितने भी आपके इज फंक्शन बनते हैं यहां से आज क्वेश्चन आया भी आया भी है मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन आया हुआ है चलो भैया इज फंक्शन इज ब्लैंक करता क्या है यदि आपका कोई सेल ब्लैंक सेल है ठीक है यदि आपका ब्लैंक सेल है और उसके अंदर आपने इस ब्लैंक फंक्शन लगाया तो आपको आंसर मिलेगा ट्रू और यदि उस सेल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो आंसर आपको मिलने वाला है फॉल्स देखो जैसे कि देखो लिखा हुआ है यह फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है जब सेल में कोई कॉन्टेंट मौजूद होता है तो यह क्या करेगा फॉल्स और सेल ब्लैंक होता है तो यह क्या करेगा मेरे दोस्त ट्रू रिटर्न करता है ये किसका काम है इस ब्लैंक फंक्शन का काम है कि ब्लैंक है तो ट्रू नहीं है तो क्या है फॉल्स इज इज ई डबल आर आपका एक फंक्शन है इसका मतलब क्या होता है यदि सेल के अंदर एरर है क्या है बहुत से प्रकार सात प्रकार के एरर बता चुका यदि सेल के अंदर एरर है, है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा ट्रू और यदि सेल के अंदर एरर नहीं है तो ये क्या प्रोवाइड करने वाला है फॉल्स प्रोवाइड करने वाला है लेकिन आपको बात समझना है लेकिन इस एरर के अंदर एक क्या होती है आपका अपवाद होता है अगर आपका हैज एंड डिवाइड ए एरर मौजूद है तब भी यह क्या करेगा फॉल्स रिटर्न करता है लेकिन वैसे अगर यह आपका देखो हैज एंड डिवाइड एक एरर होता है लेकिन इसको एरर के मतलब से क्या प्रोवाइड करना चाहिए ट्रू प्रोवाइड करना चाहिए बट इसने यह ट्रू प्रोवाइड ना कर प्रोवाइड करता है फॉल्स आपका प्रोवाइड करता है और या मेरे भाई यहां से आया हुआ था आज क्वेश्चन ये आज के पेपर में पूछा गया था इज एरर वाला फंक्शन कि इस फंक्शन का यूज आपको पूछा गया था एग्जैक्ट मेरे पास क्वेश्चन है नहीं कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट लेकिन इस एरर से संबंधित आपका क्वेश्चन एग्जाम में था तो क्या क्वेश्चन था समझिएगा मेरे दोस्त इज एरर यदि सेल के अंदर एरर है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा ट्रू देखो जरा क्या लिखा हुआ है इस फंक्शन के दौरान द्वारा यदि पता किया जाता है कि किस सेल में एरर है और किस सेल में एरर नहीं है सेल में एरर होने पर ये क्या देता है ट्रू और एरर ना होने पर ये क्या देता है आपका फॉल्स देता है लेकिन एक नोट बनाकर कुछ बात लिखी हुई है कि भैया हैज आपका नेम ये क्वेश्चन मार्क हुआ हैज नेम जो है और एज एन डिवाइड ए जो है इन दोनों का एरर प्राप्त ये दोनों सेल के अंदर होने पर भी ये क्या करता है फॉल्स रिटर्न करता है ठीक है ये क्या करता है आपका फॉल्स रिटर्न करता है कोई दिक्कत आई और ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने शायद आपको ये कल पढ़ाया भी हुआ था ये मैंने कल आपको पढ़ाया है भी था ये फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है आगे इज इवन अगर सेल के अंदर इवन वैल्यू है तो क्या होगा ट्रू और इवन वैल्यू नहीं है तो क्या होगा फॉल्स इज फॉर्मूला यदि सेल के अंदर फॉर्मूला है तो क्या होगा ट्रू और अगर फॉर्मूला नहीं है तो क्या आंसर होगा आपका फॉल्स आंसर होने वाला है ठीक है आगे बढ़ जाऊं चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझते हैं कि आगे क्या चीज है और आगे हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं यदि सेल के अंदर लॉजिकल वैल्यू है लॉजिकल वैल्यू आप पहले समझ लीजिएगा कि लॉजिकल वैल्यू है क्या चलो लॉजिकल वैल्यू आपकी है क्या तो लॉजिकल वैल्यू होती है ट्रू और आपकी क्या होती है फॉल्स ये दो जो हैं वो लॉजिकल वैल्यू होती हैं यदि किसी सेल के अंदर ये दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू उपस्थित है तो ये तो ये जो इज लॉजिकल जो फंक्शन है वो आपको क्या आंसर देने वाला है वो आपको ट्रू आंसर देने वाला है और यदि इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं है कोई दूसरी और वैल्यू है तो ये क्या देने वाला है आपका फॉल्स आंसर आपको प्रोवाइड करने वाला है देखो कैसे देखो ट्रू लिखा है तो यहाँ पर ट्रू दिया यहाँ पर फॉल्स लिखा है तो इसने ट्रू दिया ये एप्पल और टेन लिखा है तो यहां पर इसने क्या दे दिया फॉल्स आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया क्यों क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं आती हैं। आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ना है चलो आगे बढ़ने की हम कोशिश करते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे की चीजें क्या चल रही हैं और ये किस प्रकार से चल रही हैं। चलो इज एनी फंक्शन क्योंकि देखो इससे अगर फंक्शन आया हुआ है क्वेश्चन आया हुआ है तो भैया क्या पता आपका बोई का बोई आए कोई चेंज होके भी तो आ सकता है तो क्या है इज एनी फंक्शन यह फंक्शन सेल में हैज एंड डिवाइड ए एरर होने पर ट्रू रिटर्न करता है यदि किसी सेल के अंदर हैज एंड डिवाइड ए एरर है क्या है यदि किसी सेल के अंदर हैज एंड डिवाइड ए एरर मौजूद है तो वो क्या करेगा मेरे दोस्त ट्रू रिटर्न करेगा और यदि एरर नहीं है ये वाला एरर नहीं है तो ये क्या करने वाला है आपका फॉल्स रिटर्न करने वाला है आगे बढ़े चलो आगे इज नॉन टेक्स्ट इज नॉन टेक्स्ट मतलब क्या है यदि किसी सेल के अंदर वैल्यू मौजूद है वैल्यू बोले तो क्या जीरो से नाइन से लिखी हुई बनी हुई कोई भी चीज एक्स वाई जेड जीरो से नाइन से लिखी हुई कोई भी चीज अगर आपके सेल के अंदर है तो आपको क्या मिलेगा

मतलब नंबर हुआ लेकिन दोनों में अंतर है देखो जरा ये नंबर होने पर इसने दिया ट्रू और यहां पर टेक्स्ट होने पर इसने क्या दिया फॉल्स लेकिन ब्लैंक सेल होने पर इसने क्या दिया ट्रू लेकिन दोस्त जो इज नंबर है वो ब्लैंक सेल होने पर क्या देता है फॉल्स रिटर्न करता है तो दोनों में अंतर क्या है एक था आपका कौन था मेरे भाई इज नॉन टेक्स्ट फंक्शन और एक था आपका इज नंबर फंक्शन ये जो है वो ही ये है बस अंतर इतना है कि ये ब्लैंक सेल होने पर क्या करता है ट्रू रिटर्न करता है और ये जो है ब्लैंक सेल होने पर क्या करता है फॉल्स रिटर्न करता है इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन आ सकता है और इसी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है मेरे दोस्त तो आपको क्या करना है इन चीजों को याद रखना है और आपकी कल की तैयारी को अपनी सिक्योर आपको करना है आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं है आगे बढ़ जाऊं चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम और फंक्शंस को पढ़ने की स्टार्ट करते हैं चलो आगे बढ़ जाए चलो भैया आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं देखो जरा इस और, इस और का मतलब क्या है कि यदि आपके किसी सेल के अंदर ऑड वैल्यू मौजूद है तो वो क्या रिटर्न करेगा ट्रू और ऑड वैल्यू नहीं है तो क्या रिटर्न करने वाला है आपका फॉल्स रिटर्न करने वाला है इस टेक्स्ट है। यदि सेल के अंदर टेक्स्ट मौजूद है तो क्या करेगा करेगा और यदि मौजूद तो तो क्या करेगा मेरे दोस्त? तो वो आपका फॉल्स रिटर्न करने वाला है आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है अब और आपको कोई दिक्कत नहीं है हाँ ये वैल्यू एरर के जो आपके डेटा टाइप है इन्हें भी याद कर लेना कि किसी भी एक्सएल के सेल के अंदर कोई भी आपका एक्सेल का सेल है उस सेल के अंदर किस किस प्रकार का आप डेटा टाइप टाइप डेटा टाइप करवा सकते हैं तो आप नंबर कर सकते हैं टेक्स्ट कर सकते हैं लॉजिकल वैल्यू कर सकते हैं इज वैल्यू कर सकते हैं एरे कर सकते हैं कंपाउंड डेटा कर सकते हैं इतने प्रकार का आप अपने एक सेल के अंदर डेटा को टाइप कर सकते हैं जिनकी आपको वैल्यू जरूर याद रखनी है नंबर की वैल्यू वन है टेक्स्ट की वैल्यू टू है लॉजिकल वैल्यू की फोर है और इज एरर की क्या है सिक्सटीन है कोड वैल्यू एरे की क्या है सिक्सटी

फिल्टर की कंट्रोल प्लस प्लस एल ये है आपका फिल्टर की शॉर्टकट की ये आपको याद रखनी चाहिए आई थिंक अगर क्वेश्चन आ गया तो यहीं से क्वेश्चन आपका बन सकता है आगे बढ़ जाऊं चलो आगे बढ़ते हैं और शॉर्टकट की मेरे दोस्त मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैं शॉर्टकट की आपको नहीं पढ़ा रहा हूं आप इनका स्क्रीन लेते जाइएगा ठीक है दोस्त आप थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा मेरे भाई कॉपरेट करेगा थोड़ा सा कॉपरेट करेगा बस आप इनका देखो मैं पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा आप स्क्रीन शॉर्ट लेकर क्लास बंद हो जाए तो आप इसे पढ़ लेना तो और बेटर रहने वाला है ठीक है लो जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, लो, लो जब तक आपका भाई उपस्थित है तब तक आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपका भाई आपको चीजें देता ही रहेगा चलो लेकिन आप भैया यार मैंने स्टूडेंट जो स्टूडेंट नाम की चीज है ना स्टूडेंट नाम की चीज कुछ तो इतने अच्छे लोग होते हैं कि इतने अच्छे लोग होते हैं स्टूडेंट इतने अच्छे होते हैं लेकिन कुछ कुछ इतने खतरनाक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में एक ही बात चलती है अपना काम बनता और आगे आप बढ़ जानते हो ठीक है हाँ, सिर्फ अपना काम जानते हैं अपना बेनिफिट समझते हैं किसी दूसरे का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ठीक ठीक है है लाइक तो ऐसे नहीं करते मतलब मुझे पैसे मिल रहे हो दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोला था कि मेरे भाई की फर्स्ट शिफ्ट अगर आपकी कंप्लीट हो तो आप मुझे टॉपिक भेज देना मेरे भैया किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं बच्चों को सॉल्व करा दूंगा ठीक है लेकिन आप में से किसी ने नहीं सुना मेरा किसी ने नहीं भेजे अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है तो आज आप कल जो पेपर देने जाने वाले हो ठीक है आप कल जो जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो कल पेपर देने जाने वाला है जो सेकंड शिफ्ट के अंदर जो आप पेपर देकर निकलेंगे फर्स्ट शिफ्ट के से पेपर आप देकर निकलेंगे तो सेवन नाइन सेवन फोर टू फोर नाइन सिक्स डबल थ्री अरे मेरे दोस्त मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्वेश्चन लिख कर आ जाओ मैं ये आपसे नहीं बोल रहा कि आप क्वेश्चन लिखकर आ जाओ अरे मेरे भैया आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इतना तो आपको फोकस याद रहेगा ना कि किस टॉपिक

आपका तो कोई घाटा नहीं हुआ ना एक नंबर बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है तो मेरे भाई आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर तो नहीं बोलूंगा अगर आपकी श्रद्धा है तो आप भेज दीजिएगा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बंदा तो तत्पर है आपको करा ही देगा अगर आप भेज दोगे तो मैं करा दूंगा टेंशन लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है आगे बढ़ जाओ और जरा स्क्रीन लो इनका जल्दी से स्क्रीन ले लो चलो भैया आगे बढ़ू चलो आगे बढ़ते हैं इनको छोड़ दो जरा ये जो नीचे लिखी हुई इन्हें छोड़ो जरा शॉर्टकट किसको ठीक है अब पावर पॉइंट में आपको क्या क्या याद रखना है समझना भाई ध्यान से

16 से 19 का जूमिंग क्या है बहत्तर परसेंट और आज के पेपर में आज के जो तीन शिफ्ट थे उनमें से यहां से क्वेश्चन था 16 का क्वेश्चन था ठीक है था कि 16 से 19 जो है 16 और 19 है इसकी जुमिंग बहत्तर परसेंट होती है और 3 और 10 की जुमिंग क्या होती है 69% परसेंट होती है ये तो आप जानते हैं बाइड फोड आपका लैंडस्केप मोड होता है ठीक है और स्पीकर नोट स्पीकर नोट क्या करता है स्लाइड का अबाउट बताता है यानी जो स्लाइड है उसके बारे में सारी की सारी जानकारी बताने वाले नोट को क्या कहा जाता है स्पीकर नोट कहा जाता है ठीक है और आपका एक बात और याद रखनी है कि जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है क्विक एक्सेस टूल बार उसके अंदर आपको तो कितने पांच बटन मौजूद होते हैं कौन कौन से एक होता है आपका सेव वाला बटन एक होता है आपका अंडू वाला बटन और एक होता है आपका रीडू वाला बटन और एक होता है आपका स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग क्या कहलाता है स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग और एक होता है आपका एनिमेशन वाला बटन एनिमेशन होता है ट्रांजिशन ट्रांजिशन वाला बटन होता है ट्रांजिशन ट्रांजिशन वाला बटन ट्रांजिशन ठीक है और ये कौन सा होता है आपका ट्रांजिशन वाला बटन होता है ये बटन आपके क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर मौजूद होते हैं ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं जरा और कौन सी बातें आपको याद रखनी है देखो समझना यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ये है समझना भैया ये ये आपका क्वेश्चन कि आपके स्लाइड के प्रकार कौन कौन से हैं एच डी फुल एच डी एच डी और स्टैंडर्ड एच डी होता है मीडियम फाइल साइज क्या सात सौ बीस पी या फिर बारह सो अस्सी इंटू सात सौ बीस और स्टैंडर्ड होता है आपका चार सौ अस्सी पी स्मॉलेस्ट फाइल साइज और ये है आपका चार सौ बावन इंटू चार सौ अस्सी है? चार आठ सौ बावन इंटू चार सौ अस्सी आपका ये साइज आपका होता है ये स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इन्हें पढ़ लीजिएगा ठीक है अब यहां से आपका स्टार्ट होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज और यहीं से आपके क्वेश्चन बने थे मेरे दोस्त ठीक है ठीक है यहीं से क्वेश्चन आपके बने थे क्या बने थे देखो जरा कि आपका पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन एम डॉट पावर पॉइंट की फाइल फॉर्मेट ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन अगर आपसे बोला जाए कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन की फाइल एक्सटेंशन ने डॉट .ODP जिसका पूरा नाम ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होता है इसे मैं तबीयत से पढ़ाने वाला हूं क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन मिलेंगे ये दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां से ठीक है अगर आपसे बोला गया कि टेम्पलेट फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम तो डॉट पी ओ टी एक्स यदि आपसे बोला गया स्लाइड शो का प्रेजेंटेशन एक्सटेंशन नेम तो क्या होता है डॉट पीपी एक्स पी पी एक्स और यही क्वेश्चन था आज के पेपर के अंदर यही क्वेश्चन था आज के पेपर के अंदर मेरे दोस्त यही क्वेश्चन था ठीक है अगला लिखा हुआ है अगर आपसे बोला गया ओपन डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नेम तो डॉट आपसे बोला गया स्लाइड ऑटोमेटिकली ओपन हो रही है उसका एक्सटेंशन नेम तो आपको बताना है डॉट ठीक है यदि आपसे पूछा गया कि किसी प्रेजेंटेशन को पिक्चर के फॉर्मेट में क्या किया जा रहा है शो कराया जा रहा है अगर आपसे पूछा गया कि किसी प्रेजेंटेशन को पिक्चर के फॉर्मेट में शो कराया जा रहा है तो आपको बताना है डॉट पी ओ टी एक्स उसका फाइल एक्सटेंशन नेम होता है आगे बढ़ो यहां से क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त बिल्कुल बनेगा ठीक है अगर आपसे बोला गया प्रिंट क्वालिटी इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम तो ये है आपका डॉट पी एन जी जिसका पूरा नाम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ फिक्स होता है अगर आपसे वेब क्वालिटी इमेज पूछा गया अगर प्रिंट क्वालिटी इमेज पूछा गया तो पीपीएन अगर आपसे वेब क्वालिटी इमेज पूछा गया तो आप जेपीजी याद रखिएगा जिसे जॉइंट फोटोग्राफी कहा जाता है और जेपीईजी जिसे जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है ठीक है दोस्त अगर आपसे बोला गया कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन की फाइल जिसके अंदर मैक्रो को अनेबल किया गया है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो आपको बता देना है डॉट पी पी टी एम होता है ठीक है चलो भैया आगे है आपका कि अनेबल कर दी जाए तो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या अनेबल कर दी जाए मैक्रो यदि आपसे मैक्रो अनेबल कर दिया जाए तो क्या होने वाला है किसी टेम्पलेट के साथ में कि आपका कोई टेम्पलेट फाइल भी है और देन उसके साथ में मैक्रो को भी अनेबल कर दिया गया है तो उसके अंदर क्या होने वाला है एक्सटेंशन नेम डॉट पीओी एम आपका एक्सटेंशन नेम होने वाला है ठीक है ऑफिस थीम फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है डॉट डॉट टी एच एम एक्स होता है अगर आपसे ऑफिस थीम पूछ लिया जाए कि किसी ऑफिस थीम का एक्सटेंशन नेम क्या होता है पावर पॉइंट के अंदर तो आपको बता देना है .htm आपका होता है अगला जो है अगर आपसे पूछा जाए कि पावर पॉइंट ऐड इन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि यदि आपसे पूछा जाए पावर पॉइंट ऐड इन फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है तो आपको बता देना मेरे भैया .ppam आपका होता है आगे बढ़ जाऊं ये महत्वपूर्ण एक्सटेंशन नेम है इन्हें आपको याद रखने ही चाहिए यदि आपको प्रेजेंटेशन एक्सएमएल फाइल का एक्सटेंशबल नेम पूछा गया ठीक है पूछा गया तो वो आपका क्या होने वाला है डॉट एक्स एम एल आपका होने वाला है दोस्त ठीक है और आपको मेरे भाई जिसने भी मेरे आ, मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी की है जिसने भी मेरी 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 वीडियोस ने आपको थोड़ी सी भी मदद की है और अगर आप क्वालिफाई हुए हो तो आप सेवन नाइन सेवन फोर टू फोर नाइन सिक्स डबल थ्री इस नंबर पर अपना फीडबैक मैसेज मुझे सेंड कर सकते हैं जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं आप जो भी मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं वो कोई बोल रहा है मेरे नंबर है कोई बोल रहा है मेरे फिफ्टी एट मार्क्स हैं ठीक है देखो जैसे कि देवेंद्र यादव बोल रहे हैं आपका पढ़ाया हुआ आया था मेरा फिफ्टी एट आए हुए थे आए हुए हैं ठीक है आए हुए हैं तो उनके फिफ्टी एट आए हुए हैं तो आप मुझे इस नंबर पर आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे इस नंबर पर सेवन वाले नंबर पर आप मुझे सेंड जरूर कर दीजिएगा चलो आगे बढ़ जाऊं आगे हम बढ़ते हैं और अगर आपसे डॉट पी एम पी -e ई जी फोर के बारे में अगर पूछा गया तो उसका एक्सटेंशन डॉट एम पी फोर होता है विंडोज मीडिया ऑडियो का डॉट डब्ल्यू एम बी का फुल फॉर्म होता है आपका विंडोज मीडिया वीडियो फाइल जो आपका अगर आपसे बोला जाए कि किसी प्रेजेंटेशन का विंडोज मीडिया फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो आपको बता देना मेरे दोस्त कि डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू एम भी आपका ये फाइल एक्सटेंशन नेम होता है ठीक है और ग्राफिक्स के बारे में अगर ग्राफिक्स इंटरचेंज ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट का अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता क्या है तो आपको बता देना डॉट डॉट दोस्त GIF होता है GIF उसका पूरा नाम होता है आगे बढ़ जाऊं चलो भैया आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्सटेंशन और याद रखते हैं टैग इमेज फाइल का एक्सटेंशन डॉट टी आई एफ एनहांस विंडोज मेटा फाइल का एक्सटेंशन ई एम पी और स, क्या लिखा हुआ स्केल स्किल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है डॉट एस बी जी स्ट्रिक्ट ओपन एक्सएमएल का क्या होता है और फिट स्लाइड विंडो ये थे आपके सारे के सारे एक्सटेंशन नेम अगर आपने ये एक्सटेंशन नेम याद कर लिए मेरे दोस्त अगर आपने ये एक्सटेंशन याद कर लिए तो आई थिंक अगर एक्सटेंशन नेम से संबंधित क्वेश्चन आया तो आपकी किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है और मेरे दोस्त यहां से भी एक क्वेश्चन बना था और इन स्लाइड के फॉर्मेट को आपको अरेंज करने को बोला गया था कि कौन सा पहले आता है फिर पहले आता है फिर बाद में आता है फिर बाद में आता है फिर बाद में, आता फिर बाद में कौन आता है तो देखो भैया कौन कौन सी इमेज के फॉर्मेट लेआउट होते हैं तो पहले है, टाइटल ऑफ कंटेंट टाइटल सॉरी टाइटल ऑफ स्लाइड उसके बाद होता है टाइटल एंड कंटेंट उसके बाद होता है आपका सेक्शन एंड कंटेंट फिर होता है टू सेक्शन फिर होता है कंपैरिजन फिर होता है टाइटल ओनली फिर होता है ब्लैंक फिर होता है हो होता है कंटेंट विद कैप्शन फिर होता है आपका पिक्चर विद कैप्शन ये आप याद रखना इन्हें लेआउट कहा जाता है किसके लेआउट मेरे दोस्त स्लाइड के लेआउट होते हैं और यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है दोस्त हाँ जिसका भी ये पेपर निकला है आप मेरे नंबर पर फीडबैक जरूर दें अगर मेरे चैनल ने आपको थोड़ी सी भी मदद की है थोड़ी सी मदद की है तो आप मेरे नंबर सेवन नाइन सेवन फोर टू फोर नाइन सिक्स डबल थ्री इस नंबर पर आप जरूर मुझे मैसेज करें आगे बढ़ जाऊं चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं जरा और आपको जरा पावर पॉइंट से संबंधित बातें अगर याद रख सको तो याद रख लेना आई थिंक और आपको बातें याद रखने की आवश्यकता नहीं है चलो मुझे आपको एक चीज और पढ़ानी है वो चीज क्या है जरा मैं आपको बताता हूं मुझे फंडामेंटल में आपको कुछ और बातें बतानी है देखो जरा फंडामेंटल के लिए बातें फंडामेंटल में क्या बातें बतानी है तो प्रिंटर के बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी है ठीक है और यूएसबी के वर्जन भैया यहां से क्वेश्चन पूछा गया था ये यूएसबी के वर्धन से ये यहां से भी क्वेश्चन था कहां से क्वेश्चन था देखो में आपको लिखा बताऊं कैश मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन था आपसे क्या बोला गया था कि दोस्त क्या बोला गया था आपसे एक बोला गया था देखो ये लिखा होगा ना चूंकि कैश मेमोरी सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में होती है इसलिए इसे तेज कहा जाता है तो आपसे बोला गया था क्या बोला गया था कि जो आपकी मेन मेमोरी है आपसे बोला गया था मेन मेमोरी समझना इधर ध्यान से जो आपकी रैम और आपके प्रोसेसर के बीच में कौन सी मेमोरी होती है तो आपका कैश मेमोरी ही होती है ये कैश मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन था तो अगर आपसे अब कैश मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आपसे कल टाइप्स के बारे में भी पूछा जा सकता है तो कैश मेमोरी के दो तीन प्रकार होते हैं एल वन और एल तो ये होता है प्रोसेसर और ये होता है आपका मैन मेमोरी अगर आपसे पूछा गया था कि मैन प्रोसेसर और मैन मेमोरी के बीच में क्या होता है तो आपकी कैश मेमोरी होती है कल आपसे ये पूछा जा सकता है

पोर से पोर्ट से संबंध कोई क्वेश्चन नहीं आया पोर्ट से हां यहां से जरूर क्वेश्चन था क्वेश्चन था भैया यहां से क्वेश्चन था आपको वर्जन के बारे में पूछा गया था अब आपको इनकी स्पीड भी याद रखनी चाहिए यूएसबी पंद्रह जनवरी उन्नीस सौ छियानवे आया स्पीड फाइव एम बिट पर सेकेंड यूएसबी टू पॉइंट जीरो अप्रैल दो हजार अंदर के दो हजार दो हजार के अंतर्गत आया चार सौ अस्सी एम बिट पर सेकेंड यूएसबी थ्री पॉइंट जीरो नवंबर दो हजार आठ के अंदर आया अं, यूएसबी की स्पीड स्पीड क्या है आपका पांच जी बिट पर सेंड गीगा बिट पर सेकेंड ठीक है यूएसबी 3.1 जुलाई 2013 के अंदर आया स्पीड क्या है आपका सुपर स्पीड क्या है आपका 10 गीगा बिट पर सेकंड यूएसबी 2.0 अगस्त 2017 के अंदर आया स्पीड है आपकी 20 जी यानी 20 गीगा बट बिट पर सेकंड ये स्पीड थी आपकी और एक है आपका यू 4 जो अगस्त 2019 के अंदर आया स्पीड है 40 जी गीगा बिट पर सेकंड आपकी स्पीड होती है कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है गीगा बिट पर सेकेंड यस सर बिल्कुल जी मतलब पर आई थिंक से क्वेश्चन आया हुआ है और कल भी आ जाए तो आई थिंक मैं कोई इस बात नहीं बोल सकता कि क्वेश्चन नहीं आ जाए ठीक है और अगर आपसे यूएसबी ए का बारे में पूछा जाए पिन की संख्या तो कितनी होती है चार होती है अगर यूएस बी सी पूछा जाए तो कितनी होती है ट्वेंटी फोर आपकी होती है इतना बात आप बता दीजिएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं जरा पोर्ट के बारे में क्वेश्चन नहीं था हाँ यहां से क्वेश्चन आपका कल हो सकता है कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कीबोर्ड से क्वेश्चन हो सकता है ठीक है कीबोर्ड से क्या क्वेश्चन हो सकता है न, ये जो चीजें हैं आपका कीबोर्ड से भी कल क्वेश्चन मिल सकता है आपको ठीक है और डी फैक्टो के अनुसार कितना जो आपका डी फैक्टो है एक की यूएस ट्रेडिशनल कितना आपका एक की यहां से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है माउस से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है ठीक है चलो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हैं बिल्कुल 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 भैया आगे और यहां ये दो बातें और आपको याद रखनी है वो दो बातें कौन, कौन सी है जरा समझने की कोशिश करिएगा कि दो बातें कौन सी हैं दो तीन बातें और हैं आपकी देखो जरा ये बातें कहा गया एक नोट बना हाँ ये बात जरूर याद रखना नोट आयरिस स्कैनर फिंगर प्रिंट स्कैनर फेस स्कैनर और ब्रीथ स्कैनर क्या है आपके ऑथेंटिकेशन डिवाइस और इन्हें बायोमेट्रिक डिवाइस भी कहा जाता है ठीक है ये कहा जाता है इतना सा आप याद रखिएगा और बात है क्या है और अगला जो लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइस ठीक है आउटपुट डिवाइस से संबंधित कोई क्वेश्चन था प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन था तो प्रिंटर से अगर संबंधित क्वेश्चन आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन था तो आउटपुट पूरे ही पढ़ लीजिएगा मॉनिटर प्रोजेक्टर स्पीकर हेडफोन प्रिंटर प्लॉटर ये आउटपुट के अंतर्गत आते हैं बोथ डिवाइस भी आ सकते हैं मेरे दोस्त मॉडेम नेटवर्क कार्ड टच स्क्रीन हेडसेट जो क्या होता है का? स्पीकर और माइक्रोफोन का ग्रुप होता है आपका फैक्सीमाइल क्या है आपका जो क्या स्कैनर और प्रिंटर दोनों का होता है साउंड कार्ड या फिर उसे ऑडियो कार्ड भी कहा जाता है ये, तो, ये, जो ये दोनों ये 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 भी डिवाइस हैं की तरह फंक्शन करते ऑडियो की तरह भी फंक्शन करते हैं और ये वीडियो की तरह भी फंक्शन करते हैं इन बातों को याद रखना ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा ठीक है ये सारी फॉर्म आप याद कर लीजिएगा आगे बढ़ेगा और आगे हम बढ़ते हैं और आपको जरा बताना है ये जरूर याद रखना मेरे भाई कि ये स्पीड क्या है आपकी रिजोल्यूशन की स्पीड आपका डीपीआई और पीपीआई डॉट पर इंच पिक्सल पर इंच ये फुल फॉर्म आप याद रखना अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सॉरी क्वेश्चन नहीं है अगला है अपन को प्रिंटर के बारे में पढ़ना है इनका फुल फॉर्म और याद रखना ना मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चलो बढ़ते हैं आगे हाँ प्रिंटर से क्वेश्चन आए हुए थे तो अकॉर्डिंग टू टेक्निक प्रिंटर दो प्रकार के इंपैक्ट प्रिंटर और आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबिन का प्रयोग किया जाता है क्या किया जाता है मेरे दोस्त ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबिन का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे आपका इंपैक्ट इंपैक्ट या फिर नॉन प्रिंटर कहते हैं और ऐसे प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबिन का प्रयोग नहीं किया जा सकता देखो जिनमें आपका हैमर और रिबिन का यूज होता है उन्हें क्या बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर जिनमें हैमर और रिबिन का यूज नहीं होता उन्हें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत रखा जाता है ठीक है और स्पीड के आधार पर जो प्रिंटर है वो कितने प्रकार के होते हैं दोस्त तो तीन प्रकार के होते हैं एक कैरेक्टर प्रिंटर लाइन प्रिंटर और आपका पेज प्रिंटर ठीक है क्योंकि तो यहा, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसलिए मैं यहां से आपको आंसर बता दे रहा हूं ठीक है आगे बढ़ेगा इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेवलप्ड आईबीएम ने किया 1925 के अंदर डेसी व्हील प्रिंटर डेवलप्ड एंक्लेरो के अंदर के द्वारा 1970 ये याद रखना क्योंकि यहां से इस प्रकार के भी क्वेश्चन थे यहां से इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे ठीक है चैन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर बैंड प्रिंटर ये जो प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आपके कुछ प्रिंटर्स आते हैं ठीक है और इम्पैक्ट प्रिंटर का के बारे में बात याद रखनी है इम्पैक्ट प्रिंटर सारे डॉट मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंटिंग करते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी फॉन्ट मैट्रिक्स फॉर्म में भी डॉट मैट्रिक्स फॉन्ट सॉरी यार इंपैक्ट के अंतर्गत आने वाला कौन सा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है आपका मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंटिंग करता है और इसके अंतर्गत किसको छोड़कर इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को छोड़कर सारे प्रिंटर सॉलिड फॉर्म में क्या करते हैं प्रिंटर करते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ना है आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम चीजों को समझते हैं सभी इंपैक्ट प्रिंटर क्या है आपका जो सभी इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड समान होती है जितने भी इंपैक्ट प्रिंटर है उनकी स्पीड समान होती है लेकिन उनमें जो अंतर होता है वो बनावट का अंतर होता है और उनके अंदर कोई अंतर दिखाई आपको नहीं देता है प्रिंटर। प्रिंटर के है? इंक जेट प्रिंटर। 1925 में में और कंपनी ने लेती है। ये, ये लेजर प्रिंटर से से संबंधित क्वेश्चन था। था, पूछा गया था, निम्न से सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है और उसके अंदर ऑप्शन दिया गया था लेजर प्रिंटर तो याद रखना मेरे दोस्त सबसे ज्यादा तेज प्रिंटर आपका लेजर प्रिंटर ही होता है ठीक है चलो भैया इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक्स कंप्यूटर का क्या नाम है चलो ग्राफिक्स कंप्यूटर का आगे बढ़े, आगे है डेवलप्ड इन 1970 और 96 के अंदर ये चलता रहता है भैया कि कब ये डेवलप हुआ तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ऑप्शन जो मिले आप उस ऑप्शन को क्या कर दीजिएगा टिक कर दीजिएगा ठीक है थर्मल प्रिंटर से बात की याद रखनी है चलो आगे बढ़ेगा क्या लिखा हुआ है थर्मल प्रिंटर इन 1972 में आया जे जैक जे, के द्वारा उनको लाया गया था बबल प्रिंटर और प्रिंटर 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 और ये ये जो प्रिंटर है आपके ये प्रिंटर किस आपके किसके अंतर्गत नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं अगर आपसे चार्ल्स बेबेज के बारे में पूछा गया कि चार्ल्स बेबेज ने किस प्रिंटर का प्रयोग करा था तो आप बता दीजिएगा कि वो आपका मैकेनिकल प्रिंटर का यूज किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा ठीक है।, है आगे बढ़े अब आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते क्या हैं और कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत ये तीन प्रिंटर आते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर और डेसीबिल प्रिंटर ये कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं ठीक है ठीक है भैया और कैरेक्टर प्रिंटर से संबंधित बातें और कौन सी याद रखनी है क्या याद रखनी है कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड आपका सी कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है और ये सॉलिड और मैट्रिक्स फॉर्म में दोनों में प्रिंटिंग करता है मैंने आपको इनकी बातें बताई हुई है मैराथन क्लास के अंदर ये बातें मैंने पढ़ाई हुई है लाइन प्रिंटर क्या है आपका चैन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर दो तीन जो प्रिंटर हैं, वो आपके लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं किस प्रिंटर के मेरे भाई ये लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं आपके लाइन प्रिंटर के अंतर्गत चैन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर और आपका बैंड प्रिंटर ठीक है अधिकांश लाइन प्रिंटर में इंपैक्ट टेक्निक के प्रिंटर होते हैं यानी अगर आपसे बोला जाए कि लाइन प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं या फिर आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं तो ये आपके इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं दूसरी बात याद क्या रखनी है इनकी स्पीड एल पी एम मतलब लाइन पर मिनट के अंदर क्या की जाती है लाइन प्रिंटर की स्पीड मापी जाती ठीक है और ये लाइन प्रिंटर की जो कैपेसिटी है वो 300 से 300 से लेकर 2500 लाइन प्रिंट करने की कैपेसिटी है पेज प्रिंटर के अंतर्गत कौन-कौन से प्रिंटर है दोस्त तो पेज प्रिंटर के अंतर्गत आपके दोस्त हैं थर्मल प्रिंटर और लेजर प्रिंटर थर्मल और लेजर ये आपके आ, पेज प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं जो आपका 22000 लाइन पर मिनट में क्या कर सकते हैं आपका टाइप कर सकते हैं या फिर आप ये प्रिंट आपके कर सकते हैं आई थिंक कोई समस्या नहीं है प्लॉटर के तीन प्रकार हैं फ्लैट बेड प्लॉटर 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 ड्रम जिसे रोलर भी भी कहा जाता है और एक आपका प्लॉटर ये आपके क्या होते है? होते हैं हैं प्लॉटर प्लॉटर से बात बातें याद रखनी है प्लॉटर की स्पीड किस में मापी जाती है फ्लैट बेड प्लॉटर की स्पीड एल पी एस यानी लाइन पर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड मापी जाती है चलो भैया आगे बढ़ेगा और आगे हम बढ़ते हैं और ये थे आपके ड्रम प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर की स्पीड क्या है आपका आईपीएस मतलब इंच पर सेकंड में इसकी स्पीड मापी जाती है ये थे कुछ टॉपिक्स और ये जो टॉपिक्स थे जो मैंने क्लियर करा दिए जितने आप मुझे भेजे हैं टॉपिक वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए कुछ इंटरनेट से संबंधित भी क्वेश्चन भी था क्या था आपका डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है डब्ल्यू का डब्ल्यू डब्ल्यू को किसके द्वारा बनाया गया सॉरी डब्ल्यू किसके द्वारा लाया गया तो डब्ल्यू आपका किसके द्वारा लाया गया था मेरे दोस्त ये आपका टिम बर्नर्सली के द्वारा लाया गया था और यहां से भी क्वेश्चन था

ठीक है हाइड्रिक्स का क्या था चलो आगे बढ़िएगा और यहां से भी क्वेश्चन दिया हुआ था तो मैंने वो आपको क्वेश्चन बता दिया और मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई यार और एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराना एक क्वेश्चन आपको दिया गया था देखो आपको ट्विज कॉम्प्लीमेंट और बंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में शायद बातें कुछ पूछी गई थी किसके बारे में ट्विज कॉम्प्लीमेंट और बंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में कंपाइलर इंटरप्रेटर यानी टूस कॉम्प्लीमेंट और बंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बातें थी तो कहां है आपके टूस कॉम्प्लीमेंट और बंस कॉम्प्लीमेंट मैं उन्हें पढ़ावर देता हूँ आपको कॉम्पैक्ट डिस्क फॉर्मेट करके हार्ड डिस्क क्लीन होती है भैया फॉर्मेट करके आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विज कॉम्प्लीमेंट का भी क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं पढ़ा ही देता हूं वंस कॉम्प्लीमेंट और ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था वो क्वेश्चन कहाँ से था और क्या था ये बात आपको जरा 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 कहाँ गया टूइ कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट आ जा मेरे दोस्त चलो इसमें नहीं है आई थिंक आई थिंक शायद मैंने नहीं पढ़ाया हो आई थिंक मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट यार मैं कैसे भूल गया आपको पढ़ाना टू इस कॉम्प्लीमेंट चलो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको ठीक है चलो निकाल के बता देता हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट और टू इस कॉम्प्लीमेंट का एक आंसर आया था ठीक है आंसर आया हुआ था देखो जरा एक ये क्वेश्चन आया हुआ था बंद 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 एक हजार का ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने को आपको आया था कॉम्प्लीमेंट निकालने को ठीक है तो वंस अब समझना मेरे भाई चलो बिल्कुल स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा देखो जरा बिल्कुल ले लेना आपको क्वेश्चन बोला गया था कि बन ड्रबल ये जो जीरो इसका है इसका आप ट्विज कॉम्प्लीमेंट निकाल कर बताओ कॉम्प्लीमेंट ठीक है ये आपसे बोला गया था ट्विज कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ तो आपको ट्विज कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको निकालना पड़ता है वंस कॉम्प्लीमेंट गिवन नंबर का और गिवन नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप रिवर्स कर दो तो। रिवर्स कैसे कि जो बन है उसे जीरो बना दो जो जीरो है उसे क्या बना दो आप बन बना दो तो आपके पास नंबर क्या है बन जीरो ये क्वेश्चन में गिवन है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बन को बनाओ आप जीरो और जीरो को बनाओ बन फिर आ, फिर बन को बनाओ फिर जीरो को बनाओ बन फिर जीरो, जीरो को बनाओ बन इस प्रकार से जो है वो आपका क्या बनता है ये आपका वंश कॉम्प्लीमेंट है इस गिवन नंबर का अब कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दो, एक और एक प्लस आपका जीरो आता है और बिथ होती है बन कैरी और कैरी क्या होती है बन पर अगले पर ट्रांसफर होती है एक सिंपल लैंग्वेज में और बताऊंगा आप टेंशन मत लेना इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ठीक है चलो बन कैरी बन और बन का मतलब होता है जीरो विथ बन कैरी तो बन कैरी कहां पर ट्रांसफर यहां पर जी बन और बन जीरो का मतलब होता है जीरो विथ बन कैरी बन कैरी कहां पर ट्रांसफर हुई यहां पर तो यहां से ये ऐड करोगे तो क्या बन बनेगा तो मतलब इस एक हजार का टूस कॉम्प्लीमेंट आपका एक एक हजार ही होगा

कि आपको वंश कॉम्प्लीमेंट निकालने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको गिवन नंबर का वंश पूछा है तो क्या याद रखना है मेरे भाई अगर आपको गिवन नंबर का वंश कॉम्प्लीमेंट पूछा है कॉम्प्लीमेंट पूछा है पूछा है तो आपको रिवर्स कर देना है रिवर्स रिवर्स मतलब बन को जीरो में कन्वर्ट कर देना है और जीरो को बन में कन्वर्ट कर देना बात खत्म ठीक है और अगर आपको ट्वीट कॉम्प्लीमेंट पूछा है कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो आपको क्या करना है जो आपका गिवन नंबर है उसमें आपको चलो उसमें आपको राइट हैंड से अपने राइट हैंड से देखना है, स्टार्ट करना क्या तब तक बैसा का बैसा हेजिटिस नंबर लिख देना है जब तक कि आपका बन ना आए एक बात और सुन लो

जीरो 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 ये मेरा कोई बाइनरी नंबर है और मुझसे पूछा है कि आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिएगा मुझे क्या बोला है मेरे दोस्त ये ये आपका नंबर 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 दिया 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 है दिया है दिया है क्या आपको और इसका आपको बोला है कि इसका आप टूस कॉम्प्लीमेंट तो देखो कितना सिंपल ये जो गिवन नंबर है इसके राइट हैंड से तब तक वैसा का वैसा नोट कर दो जब तक आपका बन नहीं आता था देखो तो तो जीरो मैंने जीरो लिख दिया फिर जीरो मैंने जीरो लिख दिया फिर जीरो मैं तो जीरो लिख दिया फिर बन मैं तो बन लिख दिया बस यहां तक अब बन आ गया तो आगे जो आने वाले नंबर है समझना भाई ध्यान से आगे जो आने वाले नंबर हैं इन्हें आपको रिवर्स करना है मतलब बन को जीरो में कन्वर्ट कर देना है जीरो को आपको बन में कन्वर्ट कर देना है देखो जैसे जीरो है तो बन लिख दो जीरो है तो बन लिख दो बन है तो क्या लिख दो जीरो ये है आपके इस नंबर का क्या ट्वीट कॉम्प्लीमेंट और इस नंबर का बन कॉम्प्लीमेंट पता क्या होगा देखो ये होगा क्या होगा मेरे भाई देखो जना क्या होगा जीरो का बन जीरो का बन जीरो का बन जीरो और बन का जीरो फिर जीरो का बन फिर जीरो का बन फिर वन का जीरो ये होगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आपको दोनों चीजें समझ में आई मेरे भाई क्या आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट क्लियर है अगर आपसे अब आप पूछ लिया जाए तो आई थिंक आप अब सॉल्व कर दीजिएगा सॉल्व कर दोगे ना हाँ सर आई थिंक आपको अब समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है चाहे आपको ट्विस्ट कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए चाहे आपको वंस कॉम्प्लीमेंट दे दिया जाए आपको समस्या नहीं होगी आप सॉल्व कर दोगे फॉर्क या सिस्टम कॉल क्या होता है देखो फॉर्क और सिस्टम कॉल एक अलग चीज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या करती है वो आप बर करती है फॉर्क सिस्टम कॉल क्या करती है आपके कर्नल को कर्नल को आपके कर्नल को कर्नल को सिस्टम के पास आपकी रिक्वेस्ट लेकर जाती है सिस्टम सिस्टम कॉल कॉल होती है oh fork, fork system call. ठीक है वो ठीक कोई दिक्कत वंस कॉम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है टू इच कॉम्प्लीमेंट देखो मैंने कितना सिंपल बता दिया आपको कितना सिंपल बता दिया आपको प्लस वन देखो मैं एक और, एक वैसे छोड़ो यार एक और तरीका वैसे तो एक तरीका और है ठीक है एक तरीका तो और है बट छोड़ो बात क्या भैया लेयर से संबंधित क्वेश्चन आया था क्या ओ ऐसा ही मॉडल आया था क्या दोस्त भाई अगर ओ ऐसा ही मॉडल आया था तो इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी हाल ही में क्या ओ ऐसा ही मॉडल आया था चलो भैया ओ एस आई मॉडल को और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं तो देखो ओ एस आई मॉडल के अंदर सात लेयर होती है सात लेयर ठीक है कितनी होती है मेरे भाई चलो एक बार कर्नल से क्वेश्चन समझ लें यस yes, बिल्कुल, बिल्कुल कर्नल हार्ट ऑफ उप ऑपरेटिंग सिस्टम है सही बात है भैया साधना सर मैं पास मार्क्स हैं अरे जो भी देखो जो भी बंदा या जो भी बंदी या जो भी मेरी स्टूडेंट या जो भी मेरा छात्र या फिर छात्रा मेरी वीडियो की थोड़ी सी भी मदद लेकर आप लोगों को अगर सफलता मिली है तो आप सेवन नाइन सेवन फोर 2496 डबल पर मैसेज करना ना भूलें और इसी नंबर पर जो भी बंदा छात्र छात्रा सुबह पेपर देने जा रहा है तो वो इस पर क्वेश्चंस या फिर टॉपिक भेजना ना भूलें कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ जाऊं चलो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लें क्या चलो भैया अब हम सारा ऑपरेटिंग सिस्टम और जो ओएस और समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित बातें समझ लेते हैं देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका ओएस होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कैन प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है क्या है मेरे दोस्त जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है मध्यस्थता की तरह या फिर इंटरफेस का काम करता है इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं और इंटरफेस विंडो जो, जो है वो दोनों इंटरफेस प्रोवाइड करती है और आपका डॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर यूजर यानी सीयूआई वाला इंटरफेस आपको प्रोवाइड करती है आई थिंक समस्या नहीं होनी चाहिए चलो कर्नल के बारे में हम बात करें कर्नल को कोर ऑफ ओ एस कहा जाता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे कोर यानी सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है आपका कर्नल भाग आपका कर्नल कहलाता है और कर्नल से सारी की सारी सिस्टम कॉल हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए रन कराई जाती है जिसमें से एक आपकी फॉक सिस्टम कॉल होती है ठीक है आगे बढ़ जाऊं अच्छा हम ओ एस आई मॉडल के बारे में और जानते हैं तो ओ एस आई मॉडल की कितनी लेयर होती है सात जिसमें से फर्स्ट लेयर जो है पहली लेयर जो है वो है आपकी फिजिकल लेयर कौन सी लेयर है फिजिकल लेयर ठीक है और देखो प्रत्येक लेयर के यस यस बिल्कुल बिल्कुल प्रत्येक लेयर के समझना मेरे भाई ध्यान से प्रत्येक लेयर का अपना एक ना एक आपका काम होता है राउटर लेयर आपकी नेटवर्क लेयर कहलाती है जो राउटर लेयर बोल रहे हो आप वो नेटवर्क लेयर कहलाती है ठीक है तो सबसे पहली है आपकी कौन सी लेयर है आपकी सबसे पहली लेयर है आपकी फिजिकल लेयर दोस्त कौन सी एसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर है आपका फिजिकल लेयर लेयर और ये फिजिकल से संबंधित क्या क्या बातें आपको याद रखनी है बात समझिएगा कि दोस्त समझो बरा आप कि यहां पर सबसे पहले डेटा के क्या बनाए जाते हैं बिट फॉर्मेट बनाए जाते हैं और यहां पर सिग्नल सिग्नल एंड केबल 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 का डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ठीक है किसका सिग्नल एंड केबिल का डिटरमिनेशनशन ठीक है आज लाइट नहीं है तो आवाज गूंज रही है मेरी गेट बंद करतूं क्या चलो आगे बढ़ो कि सिग्नल और केबिल का डिटर्मिनेशन यहां पर किया जाता है कहां पर आपके फिजिकल लेयर पर ठीक है दूसरी लेयर कौन सी है आपकी दूसरी लेयर है आपका डेटा लिंक लेयर दूसरी ओ एस मॉडल की दूसरी लेयर कौन सी है आपका डेटा लिंक लेयर डेटा लिंक लेयर जिसका सबसे पहला काम है डेटा का क्या करना डेटा की फ्रेम क्रिएट करना डेटा की फ्रेम क्रिएट करना दूसरा काम क्या है मैक एड्रेस जनरेट करना जिसे आपका फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है क्या कहा जाता है फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है अगला है आपका क्या यहां पर अगला काम होता है फ्लो कंट्रोल करना फ्लो कंट्रोल करना फ्लो कंट्रोल करने का काम भी इसका है यहां पर एरर यहां पर क्या किया जाता है आपका एरर एरर करेक्शन करेक्शन और एरर डिडेक्शन डिडेक्शन का भी काम किया जाता है क्या किया जाता है यानी जो ओ एस आई मॉडल की डेटा लिंक लेयर है यहां पर डेटा को फ्रेम फॉर्मेट बनाया जाता है मैक एड्रेस जनरेट किए जाते हैं फ्रेम फ्लो कंट्रोल का काम किया जाता है एरर का करेक्शन किया जाता है और एरर का डिडक्शन किया जाता है ये ओ एस आई मॉडल की क्या है भैया डेटा लिंक लेयर के काम होते हैं एसआई मॉडल की थर्ड लेयर होती है वो है आपकी नेटवर्क लेयर, जिसे राउटर लेयर या फिर जिसे राउटिंग लेयर भी कहा जाता है ठीक है राउटिंग लेयर भी कहा जाता है ये क्या है आपकी नेटवर्क लेयर के अंदर राउटिंग लेयर, नेटवर्क पर क्या होता है सबसे पहले डेटा के क्या बनते हैं आपके पैकेट प्राप्त होते हैं पैकेट बनते हैं देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पर एड्रेस जनरेट होता है और आई एड्रेस के दो वर्जन कौन आपका IPB4 और आपका आपका 64 बिट का होता है 32 बिट का होता है और आईपीबी आपका 128 बिट का होता है और यहां आईपीबी से आज के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था क्या आज के पेपर में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था ठीक है अगला बात क्या है बात समझिएगा कि राउटिंग राउटर जो है आपका पैकेट हो गया और दूसरी बात यहाँ पर एड्रेस का जनरेशन हो गया तीसरी बात यहां पर होता है आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ठीक है क्या किया जाता है मेरे दोस्त यहाँ पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी होती है हाँ और अगला यहाँ पर काम है क्या काम है यहां पर राउटिंग का काम भी किया जाता है राउटिंग का काम किसके द्वारा राउटर के द्वारा यहां पर आपकी ओ मॉडल की जो थर्ड लेयर है, लेयर है नेटवर्क पर राउटिंग का काम भी होता है किसके द्वारा होता है आई थिंक तो का आपको समस्या नहीं होनी चाहिए ये है ठीक है चलो आईपीबी थर्टी टू बिट आईपीबी आईपीबी फोर थर्टी टू बिट थर्टी टू बिट ठीक है और सिक्स है आपका 128 बिट ठीक है वन ट्वेंटी वुट चलो आगे बढ़ जाए और आईपी एड्रेस से संबंधित एक बात और है कि जो आपका नेटवर्क के अंदर डेटा को आपके होस्ट को क्या करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए भी आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है ठीक है और यहां पर फोर्थ ले ऐसा ही मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर जिसका काम सबसे पहला काम है डेटा के सिगमेंट क्रिएट करना डेटा के सिगमेंट बनाता है दूसरा काम यहां पर कौन सा है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होस्ट टू होस्ट डिलीवरी डिलीवरी का काम कहां पर होता है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पर किया जाता है फिफ्थ लेयर जो है आपकी ओएसआई मॉडल की वो होती है सेशन लेयर कौन सी लेयर सेशन लेयर सेशन लेयर का काम क्या है सबसे पहला काम है सेशन लेयर का काम कनेक्शन कनेक्शन स्थापित करना या फिर एस्टेबलिसमेंट करना लिस्टमेंट करना ठीक है क्या करना मेरे दोस्त सबसे पहले कनेक्शन स्थापित करना दूसरा क्या है योर सेशन योर सेशन टाइम आउट टाइम आउट का मैसेज प्रोवाइड करना दूसरी यहां पर बात जो है वो ये करता है लॉग इन वाली चीजें प्रोवाइड करना लॉग इन और आपका लॉग आउट वाली चीजें प्रोवाइड करना और टोकन मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज टोकन मैनेजमेंट टोकन मैनेजमेंट का काम भी किसके द्वारा किया जाता है ठीक ठीक है यह टोकन मैनेजमेंट का काम भी आपका सेशन लेयर की मदद से ही किया जाता है ठीक है सेशन लेयर की मदद से भी किया जाता है अगला सिक्स जो लेयर है वो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, जिस पर आपका क्रिप्टोग्राफी वाला काम क्रिप्टो ग्राफी वाला काम यानी एनक्रिप्शन और आपका डिक्रिप्शन यानी प्लेन टेक्स्ट को किसमें सिफर टेक्स्ट में और आपका सिफर टेक्स्ट को किसमें प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम और लास्ट जो सेवन सेथ है, वो है आपका एप्लीकेशन लेयर ठीक है जो आपका क्या होती है क्लोज टू यूजर ठीक है दोस्त क्या होती है ये क्लोज टू यूजर क्लोज टू यूजर ये है आपका ओ मॉडल की सात की सात लेयर है चलो ये साथ की साथ आपकी लेयर होती है ओ एस आई मॉडल की आई थिंक मेरे हिसाब से आपको साइम की टीसीपी आईपी से भी क्वेश्चन आए अगर ओ एस आई से पूछे गए तो यहां पर टीसीपी आईसीपी आईपी से भी पूछे जाएंगे क्या पूछे जाएंगे देखो जरा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ये है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है ठीक है कहा जाता है जिसके अंदर कितनी लेयर होती है चार कौन कौन सी फर्स्ट जो लेयर है वो है आपका नेटवर्क लेयर सेकंड जो लेयर है वो होती है आपका इंटरनेट लेयर और थर्ड जो लेयर है वो होती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर फोर्ड लेयर और फोर्थ जो लेयर होती है वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर ठीक है एप्लीकेशन लेयर ले मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर, लेयर एप्लीकेशन और सेशन लेयर से बनाई गई है इंटरनेट ओ एस आई मॉडल की नेटवर्क लेयर से बनाई गई है और नेटवर्क लेयर किससे डेटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल लेयर इनको मर्ज करके आपकी बनाई गई है ठीक है भाई चलो ये थी आपका कुछ बातें और मेरे भाई आप लोगों से जाते जाते एक बार फिर बोल दूं कि जिसका भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को सबके लिए गुड लक मेरी दुआएं हैं दिल से कि आप कल एग्जाम को फोल्ड कर आओ तरीके से आप फोल्ड कर आओ आप सबके सब 60 सब प्लस मार्क्स लेकर आओ मेरी भगवान से प्रार्थना है आप सारे के सारे एग्जाम को फोल्ड आओगे ओ SI का फुल फॉर्म क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम सॉरी ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन ओ एस आई और आई एस ओ होता है आई एस ओ ठीक है तो इंटर चलो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन और एक होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है ये होता है और भगवान से दुआएं हैं कि आप सबके साथ साठ पास साठ प्लस मार्क्स लेकर आएंगे और ये मेरे दोस्त आपने जितना भी पढ़ा है आप इतना सा जिसने भी मैंने ये आप अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर हो तो आज का जो मैंने रिजल्ट देखा है आज के बच्चों का जो मेरा फीडबैक आया हुआ है वो फीडबैक आपको मैं अभी यानी पर आपको दिखा देता हूं कि फीडबैक अगर आप देखना चाहते हैं तो आई थिंक वैसे मैं आपको सुनाई देता हूं जरा फीडबैक देखो जरा बच्चों का फीडबैक मैं आपको सुनाता हूँ जरा देखो जरा बच्चों का फीडबैक ठीक है तो आपको इतना तो मुझ पर विश्वास करना चाहिए आपको देखो जरा फीडबैक मैं आपको पढ़ के ही सुनाऊंगा टेंशन मत लेना देखो जरा आज मेरा एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट वाला मेरा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपकी कारण आपके कारण ही क्लियर हुआ है यू आर द बेस्ट टीचर थैंक यू सो मच सर आप एक हार्ड वर्क टीचर हो ये मेरी तारीफ छोड़ो आप तो ये सुनो कि आपका एग्जाम निकला है सर एक सर एक और सुनो कितना बड़ा बात बोली सामने वाली बच्ची ने बस इस एक इस सर एक में कंप्यूटर के कारण बस मतलब सिर्फ सिर्फ कंप्यूटर और पैसेज को ही उसने सॉल्व किया था करने के में बाकी और जो बाकी सेक्शन है मैथ रीजनिंग और जीके का पार्ट पूरा रह गया सिर्फ मैंने कंप्यूटर कंप्यूटर और, और, और आंशिक पैसेज यानी जो कॉम्प्रेंशन है उसे ही अटेम्प्ट कर पाया और 45 मार्क्स में लेकर आई ठीक है सर आपकी जो मैंने YouTube पर वीडियोस देखी थी सिर्फ और सिर्फ उसके कारण मेरे 46 मार्क्स आए हाँ, सर आपका आपकी मैंने सिर्फ सिर्फ और और बजे वाली क्लास क्लास अटेंड अटेंड की थी और क्लास थी मैराथन मेरे 48 मार्क्स आए ठीक है सर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपका पेड़ बैच ये छोड़ो पेड़ बैच का आज बोलोगे सर प्रमोशन हो आप प्रमोशन बोल रहे हो पेड बैच का प्रमोशन हो जाएगा छोड़ो बात आप हाँ यहाँ पर एक और देखो सर मैं मेरे फोर्टी मार्क्स आए हुए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके यूट्यूब चैनल की मैराथन और नौ बजे वाली क्लासेस को अटेंड करा था ये तो भैया आप थोड़ा सा विश्वास करो कल के आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं ये पेपर आपसे पूछे गए हैं और ये आए हुए हैं तो अगर आपने क्या करा है अगर आपने और यहाँ पर कुछ लोग बैठे भी होंगे आपने आपको पता भी होगा कि ये चीजें की किस प्रकार से आपके चैनल से जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है अगर आप रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े हो तो भाई आप 50 प्लस मार्क्स लेकर आओगे और भगवान से मेरी दुआएं हैं कि आप तो 60 प्लस मार्क्स आप लेकर आओ ठीक है दोस्तों आपके पास अगर मेरी वीडियोस हैं अगर आपके पास हार्ड कॉपी में मेरे नोट्स हैं तो उन्हें रिवाइज करके जरूर जाएगा मैं जाते जाते टिप्स आपको दे दूं एक्सल के फॉर्मूला के मत जाना पावर पॉइंट का कुछ भी छोड़ के मत जाना ठीक है ये दो चीजें आप छोड़कर बिल्कुल भी मत जाएगा ठीक है अगर छोड़कर जाओगे तो आप पछताओगे ठीक है तो ये दो चीजें आप छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा ठीक है भैया और अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फोड़कर आओ एग्जाम को फोड़ कर आओ अगेन बेस्ट ऑफ लक सभी को और मिलते हैं कल एनालिसिस के साथ और सुनो मेरे भाई जिसका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम है सेंड करना ना बोले क्वेश्चन कर पाओ यार तो आप तो आप टॉपिक सेंड कर ही सकते हो ठीक है टॉपिक तो आप सेंड कर सकते हो और माउथ तो पब्लिसिटी जिस सेंटर पर जाना दोस्त वहां पर एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस का नाम फैलाकर आना नाम फैलाकर आना ये आपको मेरा थोड़ा सा काम करना है ठीक है बोलिएगा प्रवीण क्या क्वेश्चन है आपका बोलिएगा प्रवीण सर मेरा आज दिन वाली शिफ्ट में था मेरा तीनों सेक्शन क्वालिफाई हो है कॉन्ग्रेचुलेसन मयूर वैरागी बिल्कुल भाई कॉन्ग्रेचुलेशन चलो मिस्टर अभी बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल लगा देना जी जी शिवराज यादव आप झंडा गाड़ के आना भैया बता के आना बिल्कुल भैया सभी को मेरा आशीर्वाद है सदा आपके पास आशीर्वाद है सदा आपके पास आशीर्वाद है आपके ऊपर आशीर्वाद है आप फोड़कर ही आओगे एग्जाम को आप फोड़कर आओगे बिना फोड़े आप एग्जाम को नहीं आओगे ठीक है भैया ये सीपीसीडी का मनीषा ये सीपीसीडी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है हमारे यहाँ ठीक है हॉट टॉपिक अपने मइंक भाई कंप वो है आपका एक्सेल का आ, आपके फंक्शंस हुए फंक्शंस जितने भी है पावर पॉइंट का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते और एम एस बर्ड के जो रिविन पर जो टैप्स होते हैं वो और शॉर्टकट की है, ठीक है ये है और इंटरनेट के अंदर ओ मॉडल हुआ इंटरनेट तो कुछ भी ओपन इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकते और इसके अंदर जो आपका फंडामेंटल है उसके अंदर आप सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा और आउटपुट डिवाइसेस ले लीजिएगा जी बिल्कुल फोड़ कर आओगे आप नहीं जी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा इसका पीडीएफ सर हिंदी में कितनी टाइपिंग करना है हाँ भैया हिंदी के अंदर आपको बीस वर्ड पर मिनट लेकर आना है क्वालिफाई मार्क्स के लिए सर कितने एरर इग्नोर किया जाते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए अरे एरर नहीं वो उसका अलग फंडा है मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है उसका फंडे पर जितेंद्र सिंह इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी इसकी पीडीएफ आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉरी आपके अपने ऐप ऐप पर एडवांस कंप्यूटर क्लासेस जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहां पर स्टोर में जाना और वहां पर आपको कोर्स इन करना पड़ेगा नौ सौ निन्यानवे रुपए उसके अंदर सारी वीडियोस मिलेंगी वीडियोस हैं पीडीएफ है सारी चीजें मिलेंगी मैथ का मेरे पास कुछ भी नहीं आया हुआ है तो मैं नहीं बता सकता हूँ हाँ मैथ का अगर सुन लो मेरे भाई सुन लो सुन लो मैथ का मैथ का अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो एक बंदे ने मुझे भेजाया था और कहाँ गया वो बंदा यार एक बंदे ने मेरे बार बार भेजा था यार अरे अरे मैथ का सुन लो भैया सुन लो मैथ का अरे भाई आजा दोस्त आजा अरे मेरे भाई यस यस सर आजा नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं 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 आ रहा यार मैथ का मैथ वाला बंदा नहीं आ रहा ठीक है नहीं आ रहा मैथ वाला बंदा नहीं आ रहा ठीक है उसने चलो भाई बेस्ट ऑफ लक अगेन फोड़कर आना भाई दुआ है मेरी भगवान से आप फोड़कर ही आओगे ठीक है भैया चलो हाँ चलो भैया बदनाम बंद करते हैं और बंद हूं ठीक है भैया बेस्ट ऑफ लक फोड़कर ही आना ये भाई की आप लोगों के साथ दुआएं